नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह आज आप लोग के सेवा में एक और नया वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूँ। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को डायरेक्ट साइड से दिखाने वाला हूँ कि किस तरीका से आप घर के सामने या फिर साइड की तरफ छज्जा निकालोगे कि आपका छज्जा में कभी दरार नहीं आएगा, कभी भी उसको टूटने या फिर फूटने का समस्या नहीं आएगा। उसके साथ साथ इस छज्जा के ऊपर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करा सकते हो, जैसे बालकनी या फिर टॉयलेट बाथरूम भी बहुत सारे लोग बना लेते हैं, तो उस तरीका से आप कंस्ट्रक्शन करवा सकते हो। तो आइए देखते हैं कि किस तरीका से इस छज्जा को बनाया गया है और कैसे इसका मजबूती बरकरार रहता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस घर के सामने और साइड की तरफ लगभग 3.5 फीट के आसपास में छज्जा निकाला गया। कभी भी आपको बिना सपोर्ट का छज्जा निकालना होगा तो मैक्सिमम 4 फीट तक आप ले जा सकते हो, उससे ज़्यादा आपको छज्जा नहीं निकालना चाहिए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो फ्लोर बीम है उसके साथ साथ पट्टी बीम का भी प्रयोग किया गया। ये फ्लोर बीम क्या है ये देखिए, जब हम लोग छत का कास्टिंग करवाते हैं मतलब ढलाई कराते हैं, उस दौरान जो हम लोग बीम बनाते हैं उसी समय आपको बाहर इस तरीका से बीम निकलवा लेना है। और उसके साथ साथ इसके ऊपर में पट्टी वाला जो बीम है उसे भी लगाना है। किस तरीके से बनाना है मैं अभी आपको दिखाने वाला, पहले आप यहाँ से समझ लीजिए। इस बीम का जो साइज़ रखा गया है वो 9 इंची बाई 12 इंची का रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि दो बीम आपको इधर से नज़र आता है, फिर सामने की तरफ से कुछ बीम है वो निकाला गया, उसे मैं आपको दिखाऊँगा। इस घर का भी फुल लुक दिखाऊँगा। बहुत ही अच्छे ढंग से इस घर को बनाया गया है, काफ़ी अच्छा आइडिया आप ले सकते हो। बस आप देखते रहो। देखिए कुछ इस तरीका से जो पट्टी का जो बीम रहता है उसे भी आपको लगाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि ज़्यादातर जो छज्जा है वो टूटने का जो समस्या आता है वो सामने की तरफ से ही आता है। और इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करते हो तो यहाँ तो ये लोड ले लेता है, लेकिन जो बीच वाला हमारा एरिया रहता है, अगर बड़ा स्पेन है तो यहाँ पर दरार आ जाता है या फिर कई बार छज्जा टूटने या फिर क्रेक होने का समस्या आने लगता है। तो इस तरीका से अगर आप बीम निकलवाते हो, फ्लोर बीम, उसके साथ साथ ये पट्टी वाला बीम जो आप देख रहे हो, जो बाहर निकला हुआ बीम को कनेक्ट कर रहा है, जो हमारा कैंटिलीवर बीम है उससे कनेक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से अगर आप निकलवा लेते हो पट्टी वाला बीम ये लगा लेते हो तो आपका जो छज्जा का मजबूती है वो कई गुना तक बढ़ जाता है। और इसके ऊपर आप आसानी के साथ लोड भी दे सकते हो, इसके ऊपर भी कंस्ट्रक्शन आप कर सकते हो छज्जा के ऊपर। उसके साथ साथ देखते हो तो जो पट्टी वाला बीम है या फिर कैंटिलीवर जो बीम निकाला गया है उसके ऊपर कुछ ब्रिक वर्क भी किया गया है। देख सकते हो जो ईंट का जो राई किया गया है वो पट्टी डिज़ाइन बन रहा है। देखिए दोस्तों, इस तरीके से आप ब्रिक वर्क कराते हुए इसके ऊपर अगर अच्छे तरीके से प्लास्टर कराते हो तो आपको बिट डिज़ाइन मिल जाता है। उसके साथ साथ जब इस पर एक अच्छा कलर कॉम्बिनेशन के साथ पेंट करते हो तो आपका घर का जो लुक है वो कई गुना तक बढ़ सकता है। जैसा कि आप देख रहे हो कि इस घर में भी एक सुंदर सा पोर्टिको बनाया जा रहा है, इसको भी दिखाऊंगा। पहले आप छज्जा के बारे में भी समझ लीजिए। देख लीजिए कुछ इस तरीके से आपको नीचे वाला बीम देना है, ये बीम है सीधे आ गया, वहाँ वाला बीम भी सीधे आ गया। उसके साथ साथ जो सामने की तरफ से छज्जा निकाला गया है ना उसे भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके से दो बीम उधर नजर आता है। चारों बीम जो निकला हुआ है फ्लोर बीम उसको कनेक्ट करते हुए पट्टी का जो बीम है उसे लगाना काफ़ी ज़रूरी रहता है। याद रहे ये जो हमारा एस पेन है वो ज़्यादा दूर ना हो, कम मैक्सिमम 14 फीट तक हो, 14 फीट से ज़्यादा होगा तो फिर आपको बीच में भी बीम है प्रोवाइड करना होगा। तो देखिए कुछ इस तरीका से इसका पट्टी वाला बीम को लगाया गया है, उसके साथ साथ नीचे में सपोर्ट भी दिया गया है। चलिए मैं आपको जो ये घर आप देख रहे हो इसका फुल लुक भी दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीका से इसका जो छज्जा है वो बनाया गया। साथ साथ आप जब घर का छज्जा निकालेंगे तो एक बात ध्यान दें कि इसके नीचे में कास्टिंग के समय लाइट का जो पॉइंट देना होता है उसे भी आप पहले से ही निर्धारित कर ले कि कहाँ पे इसके लिए लाइट का पॉइंट दोगे तो आपको लिए अच्छा रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि पोर्टिको में इस छज्जा को निकाला गया है, देख सकते हो नीचे की तरफ एक सुंदर सा कॉर्नर पर पोर्टिको है वो बनाया जा रहा है। और इसके लिए दोनों तरफ से लाइटिंग का भी यहाँ पर पॉइंट है वो दिया गया है, जिससे कि रात में आपको एक अच्छा लुक मिल सकता है। तो देखिए इस तरीके से आप छज्जा निकाल सकते हो, उसके ऊपर में आप इस तरीके से ब्रिक वर्क कराते हुए इसका जो डिज़ाइन है बिट डिज़ाइन उसे पा सकते हो और मजबूत भी रहेगा। इसके ऊपर आप चाहो तो बालकनी भी बना सकते हो, या फिर कुछ लोग ऐसा छज्जा निकालते हुए कुछ और भी चीज़ के लिए उपयोग कर लेते हैं, ऊपर में एक स्टोर रूम बना सकते हैं या फिर कुछ लोग बाथरूम भी बना लेते हैं। तो उस तरीके से आप इसके ऊपर लोड देते हुए कंस्ट्रक्शन अपना कर सकते हो। ये देखिए ये है इस घर का फुल लुक, तो देख लीजिए इस तरीके से इस घर को बनाया जा रहा है। छज्जा भी आप बनाओगे तो नीचे में आपको बीम देना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आपको जो पट्टी वाला बीम होता है उसको भी देना ज़रूरी रहता है। दोस्तों बहुत ही जल्द इस घर का वॉक थ्रू वीडियो, फ्रंट एलिवेशन का वीडियो, इस घर का नक्शा और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का वीडियो भी आने वाला है। अगर देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दीजिए इजाज़त। नमस्कार।